तेल ने इतना आफत कर रखी, तेल इतना महंगा है, कभी सस्ता करते ही नहीं है, है? और सारी सरकारों ने सस्ता कर दिया लेकिन केजरीवाल ने करा ही नहीं। वैसे कहते हैं हम दिल्ली को इतना साफ सुथरा बनाएंगे, ये करेंगे, सस्ता करेंगे, कुछ भी सस्ता नहीं कर रहे। GST लग गया, फिर और भी बहुत सी ऐसी समस्या है जिसके रोजमर्रा की जिंदगी वाले जूझ रहे। बस यही कहूँगा मैं मोदी जी से कि मोदी जी अगर आपको अच्छा PM बनना है और 2019 में जीतना है तो पेट्रोल का दाम कम से कम कर दीजिए, ताकि पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा तो हमारे देश की उन्नति भी हो जाएगी और कोई चीज़ का भाव बढ़ेगा नहीं। ग्लोबल सिचुएशन के कारण ऐसा हो रखा है, लेकिन यहाँ सरकार चाहे तो ड्यूटी वगैरह घटा के थोड़ा कंट्रोल कर सकती है। पब्लिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मतलब इतने ज़्यादा मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि अफोर्ड करना मुश्किल है। एक दिन वो तो गवर्नमेंट अपना वैट वगैरह कम की है, उसके कारण डिक्रीज हुआ। तो वैसा चाहे तो पहले से भी कर सकते, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वही होगा। उस पर जल्दी जल्द सरकार काम करे तो थोड़ा क्रूड डिमांड कम होगी तो अपने को थोड़ा सा राहत मिलेगा, नहीं तो ये सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। क्या कर सकते हैं, सरकार का नियत ही थोड़ा खोट लग रहा है नियत में, बट ठीक है। ऐसे कुछ सुनाई दे रहा है जो नॉन BJP गवर्नमेंट वाले सरकार जो चल रहे हैं उन लोग ने मना कर दिया है पेट्रोल के दाम कमाने के लिए, या वो भी मतलब अगेंस्ट जा रहे हैं। सो पता नहीं ये उनकी मिली भगत है या क्या है, लेकिन जो भी है हम लोग तो भुगत रहे हैं, जनरल पब्लिक भुगत रहे हैं। सो आशा करता हूँ कि उन लोगों को अक्ल में कुछ अक्ल आए और सोचे कि ये पेट्रोल जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ना, ये बहुत कीमती, मतलब ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है, ये हमारे महीने के बजट में बहुत असर मतलब करता है। सो आशा करता हूँ कि ये उनके वो सोचे इसके बारे में और थोड़ा वो करें। बाकी ये 5-10 रुपये दो 3 रुपये बढ़ने से भी हम लोगों को इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है मतलब कि रेगुलरली जब तक मतलब अचानक से पता चलता है कि 10 रुपये तक बढ़ गए हैं ये 5-6 महीने में 10 रुपये, तब जाके फ़र्क पड़ता है।